हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर ट्यूटोरियल्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि आर के अंदर हम ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करेंगे। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए हमारा फर्स्ट जो चैप्टर आता है वो ऑपरेटर्स का होता है, जिसमें आपने अरिथमेटिक, बिटवाइज, लॉजिकल, रिलेशनल, कंपेरिजन ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, हर लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स होते थे। अब ऑपरेटर्स का काम क्या होता है कि कुछ भी मैथमेटिकल या कोई भी लॉजिकल मैनिपुलेशंस करना, राइट। तो पाइथन के अंदर भी ऐसी ही या आर के अंदर भी ऐसी बहुत सारे बिल्ट इन ऑपरेटर्स होते हैं। अब आर के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर है आर के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद आएगा रिलेशनल ऑपरेटर, देन लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, देन उसके बाद मिसलेनियस ऑपरेटर। तो ऐसे ही आर के अंदर हमारे पास ये सारे ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले जो हम ऑपरेटर्स को यूज़ करने वाले हैं उसमें हम यूज़ करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उसकी पावर, एक्सपोनेंट, मॉडुलस, इंटीजर, डिवीजन, ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। तो यहाँ से हम उसके कुछ सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। प्लस इज़ फॉर एडिशनल, माइनस इज़ फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, देन डिवीजन ऑपरेटर, एक्सपोनेंट ऑपरेटर, उसके बाद अगर आपको रिमाइंडर मॉडुलस चाहिए तो हम सिंगल परसेंटेज साइन का यूज़ करते थे, हमें मॉडुलस मिल जाता था, बट आर के अंदर हमें दो बार यूज़ करना है। सेम अगर आपको इंटीजर डिवीज़न चाहिए देन सेम आप परसेंटेज स्लैश परसेंटेज का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसकी स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यूज़र से हमें इनपुट कैसे लेनी है। इनपुट लेने के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है पिछले के ट्यूटोरियल में। हमारे पास जो फंक्शन होता है वो होता है रीड लाइन फंक्शन, तो मैंने इसको जूम कर लिया हुआ है। तो इसके अंदर मेरे को ये भी लिखना है कि एंटर फर्स्ट नंबर, तो उसके लिए हमने देखा था प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू, आप कुछ भी लिख सकते हो, एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर एंटर करने के बाद इसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये इंटीजर में भी कन्वर्ट हो जाए, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ एज डॉट इंटीजर, और उसको हम एक फंक्शन के अंदर पास कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए जस्ट इतना चेक कर लेते कि ए की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। तो फर्स्ट नंबर जैसे ही मैं 10 लिख रहा हूँ तो डेफिनेटली हमारे पास 10 आ चुकी है, और इसकी टाइप भी चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ ए। तो यहाँ पे मैं 13 लिख रहा हूँ, डेफिनेटली इंटीजर में आ चुका है। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे दो नंबर्स एंटर करने हैं। तो फर्स्ट नंबर एंटर करने के लिए हम यहाँ ऊपर चलेंगे ऑपरेटर्स जहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप कर्नल रीस्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ इनपुट देनी मिस कर दी थी जिस वजह से कर्नल मेरा इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। अब उसके बाद मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ ताकि मैं दो नंबर्स को यहाँ पे एंटर करवा सकूँ। तो जहाँ मैंने एंटर फर्स्ट की स्पेलिंग गलत है, एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर सेकंड नंबर। तो दो नंबर्स मैं अब एंटर करूँगा। इन दो नंबर्स का सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम करके देखेंगे। सम करने के लिए हम यहाँ पे प्लस ऑपरेटर को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट ए प्लस बी। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10, दूसरा नंबर ले रहा हूँ 20। तो आप सीधा देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सम इज़ 30। अब अगर मेरे को लिखना है साथ में कि ये मेरा सम है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सम इज आफ्टर दैट सम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20, तो आप नीचे देख सकते हो सम इज़ 30। बट ये बहुत अजीब लग रहा है, एक ऊपर की लाइन में आ रहा है, एक नीचे लाइन में आ रहा है। अगर आप इसको एक ही लाइन में लिखना चाहते हो उस केस के लिए हम यहाँ पे एक पेस्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे। पेस्ट फंक्शन क्या करता है, एक तरह का कंकैटिनेशन का काम करता है जिसको एक ही लाइन में लिख देगा। तो मैं ये चीज़ यहाँ से हटा रहा हूँ। अब प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा पेस्ट। पेस्ट के अंदर सबसे पहले हमें चाहिए सम, एज इट इज़ प्रिंट कर दे सम। सम के बाद कॉमा, उसके बाद आपको और क्या चाहिए, ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, उसके बाद ए प्लस बी की वैल्यू दे देगा। ये क्या कर देगा, इन दोनों को प्रिंट कर देगा। तो फर्स्ट नंबर इज़ 10, सेकेंड नंबर इज़ 20 और सम इज़ 30। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सम है वो मेरे पास आ चुका है 30। अब ऐसे ही मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ और बाकी के ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। सम के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब, उसके लिए हम यहाँ पे इसको कर देंगे माइनस। सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एम यू एल, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन, उसके बाद हम इसको डिवीजन यूज़ करेंगे डी आई वी, और डिवीजन करने के लिए सेम वही साइन है स्लैश,
देन हम यहाँ पे एक्सपोनेंट निकालने वाले हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर हम मैं लिखने वाला हूँ a रेज टू पार b, एक्सपोनेंट के बाद हम निकालेंगे मॉडुलस। तो मॉडुलस के लिए जैसे कि ऊपर लिखा हुआ, आपको दो बार परसेंटेज का साइन यूज़ करना है, और लास्ट वन जो रह चुका है वो है हमारा इंटीजर डिवीज़न। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ इंटीजर डिवीज़न। तो इंटीजर डिवीज़न के लिए आपको जस्ट बीच में एक स्लैश का साइन यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं आप दो नंबर लेने जा रहा हूँ, फर्स्ट नंबर इज़ 5 एंड सेकेंड नंबर इज़ 2। तो जैसे ही मैंने 5 और 2 एंटर किया, आप देख सकते हो 5 प्लस 2 7, 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 3, 5 इंटू 2 10। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.5, और 5 रेज टू पार 2, 5 इंटू 5 25। और मॉडुलस इसमें रिमाइंडर अगर देखा जाए तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 मिलेगा। ऊपर जो क्वेश्चेंट, अगर आपको 2 चाहिए तो आप यहाँ पे परसेंटेज स्लैश परसेंटेज साइन का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सिंगल स्लैश का यूज़ करेंगे, जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगी 2.5। तो ये है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यही चीज़ आपने हर लैंग्वेज में पढ़ी होगी, आइदर सी में, आइदर पाइथन में, आइदर सी प्लस प्लस में, जावा में, तो हर जगह यही चीज़ सेम मिलती है, बस थोड़े बहुत सिंटेक्स का फ़र्क है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। तो मेरे को कंपेयर करना है कि दो नंबर्स में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, या उससे कम है, या उसकी इक्वल वैल्यू हो, या अगर दो नंबर्स की वैल्यू इक्वल है तो मैं इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करूँगा, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो मैं नॉट इक्वल्स टू यूज़ करूँगा। तो आइए इसी को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइम को वेस्ट नहीं करूँगा, मैं तो डायरेक्टली दो नंबर्स को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब दो नंबर्स मैंने एंटर कर दिए। अब मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ सी, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इज़ लेस देन बी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो सी के अंदर आप देखोगे यहाँ पे ये ट्रू प्रिंट कर देगा, ए 10 बी 20, 10 इज़ लेस देन 20, जो कि ट्रू है, तो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ट्रू। बट इन केस ऑफ सी लैंग्वेज आपको 1 और 0 की फॉर्म में मिलेगा, जावा में, पाइथन में और आर में आपको यहाँ पे जो रिजल्ट मिलने वाले हैं ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में मिलने वाले। अब यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे कंडीशन लगा 10 इज़ ग्रेटर देन 20, तो मैं ये ज्यूम करके जाऊँगा फर्स्ट नंबर 10, सेकेंड नंबर 20। अब कंडीशन ये गलत है तो यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहिए फॉल्स, राइट। तो यही चीज़ आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल दो ए इज़ ग्रेटर देन बी, या यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, तो डायरेक्टली वो उसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। सी के अंदर हम जस्ट क्या कर रहे हैं, जो भी रिलेशन ऑपरेटर की वैल्यू होती है वो हम उसके अंदर रिटर्न करवा रहे हैं। तो अगर मैं ए के अंदर 10 लिख रहा हूँ, बी के अंदर 20 लिख रहा हूँ, तो फर्स्ट इज़ फॉल्स क्योंकि 10 इज़ ग्रेटर देन 20, जो कि गलत है, उसने प्रिंट कर दिया फॉल्स। अब 10 इज़ नॉट इक्वल टू 20, जो कि ट्रू है, तो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ट्रू। तो ये है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर वैल्यू असाइन करनी होती है तो आपने जस्ट एक ही ऑपरेटर यूज़ किया होगा, इक्वल्स टू। तो आर के अंदर मैंने दो ऑपरेटर्स आपको और भी डिस्कस कर चुका हूँ कि लेस देन और ग्रेटर देन का साइन, उसके साथ हाइफन। तो सेम वे आप डबल ग्रेटर देन और डबल लेस देन साइन भी यूज़ कर सकते हो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए। अब वो चेक करते हैं कि हम कैसे यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ एक्स इज इक्वल्स टू, तो एक्स लेस देन साइन देन हाइफन 10, यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा मैं एक्स की वैल्यू को। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एक्स के अंदर उसने वैल्यू को प्रिंट कर दिया 10। तो मैं कुछ एम्प्टी सेल यहाँ पे बहुत सारे ले लेता हूँ। फर्स्ट हमने देख लिया कि एक्स के अंदर वैल्यूज़ कैसे साइन करेंगे। सेकंड मेथड इज़ एक्स इक्वल्स टू 10, और अगर मैं प्रिंट कर दूँ एक्स तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके अंदर वैल्यू 10 पड़ी है। थर्ड मेथड इज़ एक्स डबल एरो का साइन देन 10 देन प्रिंट एक्स। तो इसके थ्रू भी आपने चेक कर लिया कि आपके पास जो वैल्यू है वो 10 असाइन हो चुकी है। सेकंड मेथड होता है कि आप फर्स्ट वैल्यू लिख दो उसके बाद वेरिएबल लिख दो। अदरवाइज हम अभी तक क्या करते आ रहे हैं कि पहले लेफ्ट साइड पे वेरिएबल और राइट साइड पे उसकी वैल्यू, अब राइट लेफ्ट साइड पे वैल्यू हो जाएगी और राइट साइड पे वेरिएबल का नेम। तो इस मेथड से भी हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो सेम वे आप डबल एरो को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हमने पीछे चेक कर लिया। तो उसके बाद सॉरी यहाँ पे एक्स आएगा, तो आप देख सकते हो जैसे उसने प्रिंट कर दिया। तो बहुत सारे मेथड्स हैं कि आप किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हो। तो ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर।
असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बाद जो एम्प्टी सेल है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, देन आते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर्स आपने सी में पढ़े होंगे, पाइथन में भी पढ़े होंगे, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में डबल एंड, डबल और, राइट, और उसके बाद हम यूज़ करते थे बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, वो हमारे बिट वाइज ऑपरेटर में आते थे। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लॉजिकल नॉट का यही सिंबल है, एलिमेंट वाइज लॉजिकल एंड, एंड लॉजिकल एंड, ये होता है एलिमेंट वाइज लॉजिकल और। ये मेरे दो और ऑपरेटर थे तो ये यहाँ पे इसकी वजह से थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट कर गया तो ये शो नहीं कर पा रहा, अदरवाइज़ ये मेरा दो डबल और का साइन है, तो लेट अगर ये चेक कर पाता है, नहीं तो ये ऐसे शो नहीं कर पा रहा क्योंकि आप इसके अंदर टेबल बनाने का ये मेथड होता है। तो ये मेरे डबल और का साइन है, तो इसको आप समझ सकते हो कि मैंने इसको कैसे लिखा हुआ है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझेंगे ये वर्क कैसे करते हैं, तो इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स को मैं पहले सिंपल फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर ये है ए, उसके बाद यहाँ पे एक वैल्यू पड़ी है बी, और यहाँ पे आउटपुट, पहले मैं देखूँगा लॉजिकल एंड और लॉजिकल और जो है ये कैसे काम करते हैं। तो ये मैं बात करके चलूँगा लॉजिकल एंड की, और ये होगा मेरा लॉजिकल और, यहाँ पे होगी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू। अब ए को मैं मान के चलता हूँ इसके अंदर कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू पड़ी है, तो सबसे पहले मैं एक टेबल सा बना लेता हूँ, सेम बी के अंदर भी मैं नॉन ज़ीरो, ज़ीरो, नॉन ज़ीरो एंड ज़ीरो। अब ये क्या है, जैसे लॉजिकल गेट्स काम करते हैं ये भी सेम वैसे ही काम करते हैं। नॉन ज़ीरो का मतलब एनी वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव और कोई भी नेगेटिव वैल्यू, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को किसी भी नेगेटिव, या किसी भी पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ एंड करोगे, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वन, दैट मीन्स ट्रू। और सेम नॉन ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट मिलने वाला है ज़ीरो, ज़ीरो को नॉन ज़ीरो से ज़ीरो, ज़ीरो को ज़ीरो से, तो हमें रिजल्ट वैसे भी ज़ीरो ही मिलने वाला है। और के केस में क्या होता है, ये होता है आपकी एडिशन। अब नॉन ज़ीरो में अगर मैं नॉन ज़ीरो ऐड कर दूँ रिज़ल्ट वन, ज़ीरो में वन ऐड करूँगा तब भी वन है, ज़ीरो में वन या वन में ज़ीरो तब भी वन है, ज़ीरो प्लस ज़ीरो जो हो जाएगा वो वन हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, राइट। ये है हमारे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, राइट। और अगर आपने देखा होगा सिंगल एंड और सिंगल और, राइट, ये हमारे पाइथन में, सी में, बाकी किसी भी लैंग्वेज में, इनको हम बिटवाइज ऑपरेटर्स बोलते थे, बिटवाइज एंड एंड बिटवाइज और, बट आर के अंदर इन्होंने इसको भी लॉजिकल ऑपरेटर में ही कंसीडर किया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले अगर सिंगल नॉट का साइन लगा देंगे तो ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, ये लॉजिकल नॉट है। एलिमेंट वाइज लॉजिकल एंड, तो इसको हम आगे जाके देखेंगे एलिमेंट वाइज लॉजिकल एंड कैसे काम करते हैं। तो ये तो आपको पता है डबल एंड तो लॉजिकल एंड हो जाएगा, एलिमेंट वाइज सेम लॉजिकल और ये है हमारा लॉजिकल और। इसमें से मैंने आपको लॉजिकल एंड, लॉजिकल और बता दिया, एलिमेंट वाइज हम ये सारा प्रैक्टिकल चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी मैं कोई भी दो नंबर एंटर करवा लेता हूँ, तो मैं ऊपर जाके ये दो लाइंस को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ए और बी के अंदर मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब यहाँ पे मेरे को यूज़ करना है प्रिंट ए एंड एंड बी, तो पहले लॉजिकल एंड चेक कर लेते हैं, ये ट्रू वैल्यू है, ये भी मेरी नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो नॉन ज़ीरो को नॉन ज़ीरो से अगर आप एंड करते हो रिज़ल्ट ट्रू मिलता है, हमने ऑलरेडी चेक कर लिया। तो एक पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, एक नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, तब भी ट्रू है। अब एक पॉजिटिव ले लेते हैं, एक ज़ीरो ले लेते हैं, फॉल्स हो गया। अब एक ज़ीरो, एक नॉन ज़ीरो, फॉल्स। अब ज़ीरो को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी क्या हो जाएगा, फॉल्स आ गया, सेम वही चीज़। तो ये है हमारे लॉजिकल एंड। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा लॉजिकल और की, तो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ नीचे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं लॉजिकल और। अब अगर एक में पॉजिटिव है, नॉन ज़ीरो है और एक में ज़ीरो है, तो नॉन ज़ीरो को ज़ीरो के साथ जब मल्टीप्लाई करूँगा तो रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा, मतलब फॉल्स आएगा, लेकिन नॉन ज़ीरो प्लस ज़ीरो कर दूंगा तो रिज़ल्ट ट्रू आ जाएगा। तो पहले में फॉल्स, दूसरे में ट्रू, तीसरा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंट नॉट ऑफ ए, ए में जो भी वैल्यू एंटर करूंगा वो उसका रिवर्स कर देगा। अगर ए के अंदर अगर मैंने 45 लिखा, ये ट्रू वैल्यू है, तो ये ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स। बी के अंदर मैं 67 कर रहा हूँ, तो दोनों ट्रू हैं, एंड करूंगा तो ट्रू हो जाएगा, और करूंगा तब भी ट्रू, लेकिन जब नॉट ऑफ 45 करूंगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये है हमारे बिटवाइज, सॉरी लॉजिकली एंड, एंड लॉजिकली और लॉजिकली नॉट। अब अगर इनको एलिमेंट वाइज देखा जाए,
तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमेंट वाइज कुछ भी स्टोर करना है तो मेरे को बहुत सारी, एक जैसे पाइथन के अंदर लिस्ट होती है ऐसे यहाँ पे आप मान के चलो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, तो वेक्टर्स के अंदर आप किसी भी तरह का डेटा जो है एक ही तरह का डेटा स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वेक्टर्स होते क्या हैं, यूज़ टू स्टोर डेटा, तो ये क्या करते हैं डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे सी में एरेज होते थे, पाइथन में लिस्ट अपर डिक्शनरी होती थी, ऐसे ही आर के अंदर हमारे पास वेक्टर्स होते हैं। अब वेक्टर को डिक्लेयर करने के लिए आपको यहाँ पे सी वेरिएबल का यूज़ करेंगे, उसके बाद इसमें कुछ भी वैल्यूज़ लिख देते हैं जैसे 10, 20, 30, 40 एंड 50, तो जो भी इसके अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उसको मैं एक वेरिएबल ए के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। अब ए वेरिएबल के अंदर मैंने बहुत सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे स्टोर कर दिया है, अब प्रिंट करके देखते हैं ए के अंदर क्या वैल्यू आती है। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 10, 20, 30, 40 एंड 50। दूसरा आप इसको इंडेक्स वाइज प्रिंट कर सकते हो कि ये इंडेक्स 0 पे पड़ा है, इंडेक्स 1 पे पड़ा है, इंडेक्स 2 पे पड़ा है, इंडेक्स 3 पे पड़ा है। तो अब मैं यहाँ पे इंडेक्स 3 लेके चलूँ तो प्रिंट कर देगा ये 30। ये जो है इंडेक्स 0 से स्टार्ट नहीं होता, इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स 3। तो इंडेक्स 3 पे क्या पड़ी हुई है वैल्यू 30, तो ये हमने चेक कर लिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे लेके जाऊँगा, तो यहाँ पर मैं अब आपको समझाने जाऊँगा कि एलिमेंट वाइज, बिट वाइज, एलिमेंट वाइज लॉजिकल एंड और लॉजिकल और कैसे करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ए के अंदर एक वैल्यू पड़ी है, यहाँ पे मैं एक बी के अंदर वैल्यू ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ कि इसको मैं 0 कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं लेट्स से 74, उसके बाद इसको मैं चेंज कर देता हूँ 35, इसको चेंज कर देते हैं -56 और इसको मैं 24 लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट ए एंड बी। अब ये क्या करता है एलिमेंट वाइज फर्स्ट वाले को सेकंड वाले के साथ चेक करेगा, एंड किया तो फॉल्स, सेकंड को ट्रू, थर्ड में भी ट्रू, फोर्थ में भी ट्रू और फिफ्थ में भी ट्रू। ये हो गया हमारा एलिमेंट वाइज कि वेक्टर के अंदर जितनी भी वैल्यूज पड़ी होंगी उसको दूसरे वेक्टर के साथ एक एक एलिमेंट वाइज लॉजिकली एंड करेगा। सेम लॉजिकली और भी चेक कर लेते हैं, तो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो लॉजिकल और में सारे ट्रू होने चाहिए क्योंकि दो जगह मेरे को कहीं पे भी जीरो है नहीं, तो यस एग्जैक्टली हमारे पास ट्रू मिल रहा है। बट यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे वेक्टर्स के ऊपर लॉजिकली और लॉजिकली एंड ऑपरेटर यूज़ करूँ तब रिजल्ट क्या आने वाला है, तब क्या करता है, अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तब ये सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करता है। अब 10 को 0 के साथ करूँगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स। अब 10 + 0 करूँगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। ये सिर्फ फर्स्ट के ऊपर ऑपरेट करता है, बाकी सारे स्किप कर देता है। यही डिफरेंस है आपका अगर आप एलिमेंट वाइज कैसे यूज़ कर सकते हो और डायरेक्टली लॉजिकल कैसे यूज़ करते हो, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू मेरी नॉन जीरो है, सेकंड वैल्यू जीरो है, तो रिजल्ट मेरे को जीरो ही मिलने वाला है, राइट। उसके बाद वो कुछ भी वैल्यू हो उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो अब जस्ट हमें ये देखना है कि अगर आप फैक्टर के अंदर डबल एंड और डबल और का साइन यूज़ कर रहे हो तो फर्स्ट एलिमेंट करेगा, अगर सिंगल यूज़ कर रहे हो तो हर एलिमेंट वाइज आपका लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर यूज़ होगा। तो ये सारे ऑपरेटर से, इसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पे एक और ऑपरेटर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मिसलेनियस ऑपरेटर्स। तो ऊपर चलते हैं यहाँ पे मिसलेनियस ऑपरेटर्स, अब ये देखते हैं ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो कुछ और भी ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कॉलन ऑपरेटर को, तो दिस इज़ माई कॉलन ऑपरेटर। तो इट क्रिएट द सीरीज ऑफ नंबर्स इन द सीक्वेंस फॉर अ वेक्टर, तो ये क्या करता है बहुत सारी सीरीज जनरेट करके दे देता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल है वी इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया 2, 2, 8, मेरे को कोई वैल्यू जनरेट करनी है। तो अगर मैं वी को प्रिंट करूँगा ये 2 से लेके 8 तक आपको एक सीरीज़ में वैल्यू जनरेट करके दे देगा। जी हाँ ऐसे ही बहुत ईजी है कॉलन ऑपरेटर, आपको कोई भी सीरीज़ लगानी है तो आप कोई भी नंबर दो 20 to 80, तो 20 से 80 आपके पास एक सीरीज़ जनरेट हो जाएगी, राइट। तो इसको मैं वापस से छोटा कर देता हूँ। तो ये है कॉलन ऑपरेटर का काम, तो इसको हम आगे प्रैक्टिकली और यूज़ करेंगे। एंड एक इसके अंदर ऑपरेटर और है, दैट इज़ मेंबरशिप ऑपरेटर, जो कि आपको पाइथन में भी आपको पढ़ने को मिला होगा। तो मेंबरशिप ऑपरेटर को हम यहाँ पे यूज़ करके देखेंगे। तो मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ, v1 = 8 एंड v2 =, इसको मैं कोई भी वैल्यू देता हूँ लेट्स से 12। उसके बाद मैं एक सीरीज जनरेट कर रहा हूँ t =
1 से लेके 10 तक। अब अगर मैं प्रिंट करूँ टी को, तो इसके अंदर 1 से लेके 10 तक वैल्यू मेरे को शो हो गई। अब मेरे को चेक करना है जो वेरिएबल 1 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, क्या वो मेरी टी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। अभी तक तो आप देख के बता सकते हो, हाँ 8 जो है मेरी ये टी के अंदर आ रहा है, बट क्या वेरिएबल 2 आ रहा है? वेरिएबल 2 नहीं आ रहा। अब इसको चेक कैसे करेंगे, अब वो देखते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सीधा प्रिंट कर रहा हूँ वेरिएबल 1, उसके बाद आप लगाओ परसेंटेज, क्या मेरा वेरिएबल 1 इन द वेक्टर इन द सीरीज जो भी हमने जनरेट करी है, फिर से परसेंटेज, क्या वो मेरी सीरीज टी के अंदर है। प्रिंट करते हैं, यस ट्रू। अब ऐसे ही हम वेरिएबल 2 के लिए चेक कर लेते हैं, क्या वेरिएबल 2 मेरा सीरीज के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया फॉल्स। तो ये हैं आपके आर के अंदर सारे के सारे ऑपरेटर्स। तो बहुत ही ईजी हैं, जैसे कि आपने सी में या पाइथन में पढ़े होंगे, तो मैंने बिल्कुल उसी वे में यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी है कि फर्स्ट हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते थे, अरिथमेटिक में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सपोनेंट मॉडुलस इंटीजर, वो हमने सारे चेक कर लिए कैसे प्रैक्टिकली उसको यूज़ करेंगे और कैसे प्रिंट करेंगे, बहुत ही सिंपल वे में है ये। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर जिसमें लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, वो हमने चेक कर लिया। और हर एक रिलेशनल ऑपरेटर आपको रिटर्न क्या करता है हमने वो भी चेक कर लिया। उसके बाद वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ असाइन कैसे करनी है, तो यहाँ पे मैंने आपको 5 मेथड बताए हैं, आप किसी भी मेथड को यूज़ करके वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ असाइन कर सकते हो, लेफ्ट वर्ड असाइनमेंट्स एंड राइट वर्ड असाइनमेंट्स, राइट दोनों हमने यहाँ पे चेक कर लिए। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर हमने चेक कर लिए, लॉजिकल नॉट, एलिमेंट वाइज लॉजिकल एंड एलिमेंट वाइज लॉजिकल और एंड लॉजिकल और, तो ये सारे ऑपरेटर्स हमने चेक कर लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटर एंड और परफॉर्म एलिमेंट वाइज ऑपरेशन, तो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन हमें मिलेगा डबल एंड और डबल और में क्या करता है, अगर आप उसको एक वेक्टर के ऊपर लगा रहे हो तो वो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को ही यूज़ करेगा, एंड जीरो इज कंसीडर एज फॉल्स एंड नॉन जीरो नंबर्स आर टेकन एज ट्रू, तो वो भी हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली चेक करके देख लिया। उसके बाद कॉलन ऑपरेटर था, उसमें हमने देखा कि सीरीज कैसे जनरेट करते हैं, और लास्ट में मेंबरशिप ऑपरेटर, क्या वो वेरिएबल उस सीरीज के अंदर एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, वो हमें कैसे चेक करना है, वो हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके चेक कर लिया। तो ये थे सारे के सारे ऑपरेटर्स। नेक्स्ट के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कैसे यूज़ किया जाएगा, स्विच स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, तो वो सारी प्रैक्टिकली हमें नेक्स्ट के ट्यूटोरियल में देखेंगे। तब तक के लिए कीप लाइक कीप कमेंट एंड डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।